तो कैसे हैं आप लोग? स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। देखो, इस सीरीज का ना एक नेगेटिव पॉइंट है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम ये लोग यूज़ करते हैं ना, कि एक बार को मुझे भी लगने लगा था कि मैं इस यूपीएससी के एग्जाम में पीछे कब से रह गई। सच में सीरीज के बीच में लगने लगा था कि स्टोरी पर फोकस छोड़ू, पहले नोट्स बना लेती हूँ कि अब किसकी एंट्री हो रही है ये। एनीवेज, अब स्पॉइलर स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है अविनाश से। इसको एक मिशन मिला है टेररिस्ट को मारने का, जिसके लिए बहुत सारे पैसे मिले हैं। जब अविनाश उस गुंडिया को मारता है तो उसका रिएक्शन, तो जो फ्रीलांसर्स के बारे में सुना था वो सच है, तुम लोग सच में हो। मतलब फ्रीलांसर की एंट्री को हाइप उस गुंडिया ने दिया, उतना तो सीरीज वालों ने भी नहीं दिया था। ना कोई एक्शन, ना कोई सस्पेंस, पर मजाक नहीं बनाते, वो एक इन एंड आउट मिशन था, तो मे बी ऐसे चुपचाप होता होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इधर इंडिया में अविनाश के ओल्ड फ्रेंड इनायत ने अमेरिकन एम्बेसी के आगे जाके सुसाइड कर लिया, ताकि ये न्यूज अविनाश तक पहुंच जाए और वो इनायत की बेटी आलिया को सेफ घर लाए। इनायत ने पुलिस और पॉलिटिशियन से हेल्प मांगी थी, बट कोई फायदा नहीं हुआ था। तो अब अपना हीरो इंडिया आ जाता है हेल्प करने। अविनाश किसी रीजन से सबसे दूर हो गया था, रीजन मैं नहीं बताऊंगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा बता दूंगी बाबा। अब अविनाश को इनायत की वाइफ सबाना से पता चलता है कि मोहसिन अच्छा लड़का था, मलेशिया में अच्छा बिजनेस है उसका, सब अच्छा लग रहा था तो निकाह करा दिया गया था। अब मोहसिन का पता लगाया पड़ोसियों से, तो फरत खाला का पता चला। ये चाची समझ गई थी कि अविनाश कोई मामूली आदमी तो नहीं है, और अविनाश भी समझ गया था कि ये लोगों को दावत पर बुलाकर उनका ब्रेन वॉश करती है, यही है नागिन चाची। अब अविनाश डॉक्टर खान से बाकी की डिटेल पता करता है। ये बताते हैं कि मोहसिन तीन भाई हैं, नागिन चची ने सभी का ब्रेन वॉश कर दिया था, पर आलिया से सब कुछ छिपाया गया था, उसे धोखे से ले जाया गया है। गाइस, आलिया को ये लोग इस्तांबुल ले गए थे फैमिली गेट टुगेदर के लिए, और वहाँ से किसी बहाने से फ़ोन ले लिया गया, फिर बिना बताए सीरिया ले गए थे, पर आलिया अपना सेकंड फ़ोन देना भूल गई थी। लकीली वो फ़ोन आज भी आलिया के ही बैग में है। अब चलो पास्ट का बता ही देती हूँ कि अविनाश क्यों गायब हुआ था, तुम भी क्या याद करोगे। अविनाश ने पास्ट में होम मिनिस्टर के साले को एक क्राइम की वजह से थप्पड़ मार दिया था, और फिर होम मिनिस्टर ने अविनाश को असेंबली में आके सॉरी बोलने को कहा। अविनाश बोल रहा था सॉरी ताकि अपनी जॉब बचा सके, पर असेंबली में सॉरी बोलेगा तो जॉब वैसे ही चली जाएगी, तो अविनाश ने साला और जीजा दोनों को ही एक एक जड़ दिया। ये बाबूराव का स्टाइल है, सुन ले भाई जी। इसके बाद से जॉब गई और होम मिनिस्टर के गुंडे भी पीछे पड़ गए, तो अविनाश को कंट्री ही छोड़नी पड़ गई थी। अब प्रेजेंट में इनायत के सुसाइड यूएस काउंसिल के बाहर करने की वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी पीछे पड़ गए। इनको समझ आ गया था कि इनायत ने ऐसे सुसाइड किसी ना किसी का ध्यान अपनी साइड खींचने को की है, और फिर ये भाई साहब अपनी तस्वीर शबीना के पास ले गए ताकि आलिया को ढूंढ सके। ना 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 ना, ये गया था ताकि उस बंदे का पता लगा सके जिसको इनायत बुलाने को ऐसे सुसाइड किया था, पर सबीना इसे कुछ नहीं बताती। उधर सीरिया में आलिया की न्यू टट्टी फैमिली, सॉरी टेररिस्ट फैमिली को रहने को घर और जॉब मिल गई थी वहीं पर। आलिया घर वापस आना चाहती है, इसलिए आलिया ने अपने उस सेकंड फ़ोन से अपने पापा को मैसेज कर दिया। अविनाश ने फिर आलिया और सबीना दोनों को समझा दिया कि 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है, ना ही कॉल करनी है, सारे मैसेज डिलीट रखना है, और आसपास की पिक्स सेफली लेने का ट्राई करना। अब जो होम मिनिस्टर था ना, उसने अपनी चमचा पुलिस को भेज दिया अविनाश को पिटवाने, पर अविनाश इन सभी को धोकर वापस चला गया। तो इंस्पेक्टर गया डॉक्टर खान के पास अविनाश के बारे में पूछताछ करने। डॉक्टर खान ने बताया कि अब अविनाश फ्रीलांसर है, पहले वाला इंस्पेक्टर नहीं, दूर रहो उससे वरना मारे जाओगे। यही सारी बातें होम मिनिस्टर को भी पता चल गई, इसकी तो गंदे वाली हवा निकली थी। उधर मोहसिन अपने लीडर को सुसाइड बॉम्ब प्लान बता रहा है ताकि दहशत बनी रहे, और ये गुंडिया अविनाश की पिक दिखाकर उसकी पूछताछ कर रहा है। मोहसिन ने वही पिक आलिया को दिखाई और उसको बता दिया कि तुम्हारे पापा मर गए हैं, ये अविनाश कौन है। आलिया शॉक,
इसको अब तक लग रहा था कि ये अपने पापा को मैसेज करती आ रही है। आज गाइस आलिया ने आसपास की पिक्स भी सेंड कर दी थी अपनी मॉम को। उधर अविनाश CIA को ईमेल करता है कि US गवर्नमेंट ट्रेन पायलट सीरिया में है, ताकि CIA वाले अविनाश की हेल्प करें पायलट के बदले आलिया को वहां से निकालने में। पर ये लोग ओवर स्मार्ट बन रहे थे। अविनाश समझ गया कि ये बस पायलट में इंटरेस्टेड है, आलिया में नहीं, तो अविनाश इनसे आगे बात ही नहीं करता। उधर वो परत नागिन चाची शबीना को डराने पहुंच गई कि अविनाश को रोको, कहीं बेटी को बचाने के चक्कर में उसकी जान ही ना चली जाए। आलिया और अविनाश की आगे भी बार बार बातें होती रही, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। सारी इन्फॉर्मेशन अविनाश CIA को फॉरवर्ड कर देता था ताकि वे ट्रस्ट रखे आलिया पर और पायलट के साथ आलिया को भी वहां से निकालने में हेल्प करे। अब पूरी टट्टी फैमिली को उनके फ़ोन वापस मिल गए थे और राका में जाके सुसाइड बॉम्ब का मिशन भी। मोहसिन के बड़े भैया और भाभी जाने वाले हैं इस अटैक के लिए इराक में। अविनाश ने CIA से अलग आलिया को निकालने का प्लान भी रेडी कर लिया था अपने कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से। एंड में इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।